26 दिसंबर मुख्य समाचार प्रातःकाल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा न्यूज। कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, कांग्रेस की सोच पर राजस्थान के सीएम भजनलाल ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस प्रमुख खड़गे का आरोप, सांसदों के निलंबन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। कानून बने भारतीय न्याय संहिता बिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर पुंछ पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। पीएम आवास पर मनाया गया क्रिसमस, नरेंद्र मोदी बोले ईसाई समुदाय के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की टीम तैयार, 28 विधायक बनेंगे एमपी में मंत्री। कर्नाटक में हिंदी विरोध, बेंगलुरु की दुकानों के साइन बोर्ड पर कन्नड़ भाषा में 60% मैटर अनिवार्य। रशिया यूक्रेन वार, यूक्रेन को दूसरे देशों से मिले कई रक्षा उपकरण रूस ने किए तबाह, फ्रांस के मिसाइल सिस्टम को भी बनाया निशाना। ड्रोन अटैक, भारत आ रहे हैं जहाज पर ड्रोन अटैक के बाद इंडिया नेवी सतर्क, अरब सागर में तैनात किए 3 युद्ध बोट। तुर्की ने सीरियाई डेमोक्रेटिक फोरेंस के ठिकानों को बनाया निशाना, हवाई हमले में मारे गए 8 लोग। नाइजीरिया अटैक, नाइजीरिया के उत्तर मध्य राज्य में मारे गए 160 लोग, डकैतों ने किया था हमला। पाकिस्तान की सीमा पार के 5 दिन में 3 साजिश, राजौरी से बारामूला तक दहलाई घाटी। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रगति देख रही, युवा चाहते हैं मुख्य धारा का हिस्सा बनना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पौक आम चुनाव में उतरने की तैयारी में आतंकी हाफिज सईद, बेटे को भी टिकट। राजस्थान सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 ओएसडी हटाए, आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस इंफाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमिश्नरिंग करेंगी। यह वाटरशिप 8 बराक और 16 ब्रह्मोस्त्र मिसाइलों से लैस, यात्रा के सबसे कठिन फेज में पहुंचा आदित्य। लेवल 1 हेलो ऑर्बिट में एंट्री का काउंटडाउन शुरू, 6 जनवरी को लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। पटरी पर दौड़ेगी डबल इंजन वाली 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा। पीएम मोदी 30 दिसंबर को हरी झंडी दिखाएंगे। सदैव अटल पहुंचकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर की मौत, रेप के आरोपी ने दिल्ली पुलिस को दिया चकमा, एयरपोर्ट से हुआ फरार। वर्ल्ड कप हार से टूटा रोहित का दिल, कहा दक्षिण अफ्रीकी की जीत से नहीं होगी भरपाई। इंडिया वर्सेज ऐसे भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच आज से। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, ताजा खबर के साथ शीघ्र हाजिर रहूंगा, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, धन्यवाद।